अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, हमने डिस्कस किया था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस, आज हम थोड़ा इस बारे में और देखेंगे। तो जैसा कि कल हम थोड़ा रिवाइज करेंगे अनकाउंटेबल नाउंस और काउंटेबल नाउंस। काउंटेबल नाउंस आर दोज नाउंस विच कैन बी काउंटेड एंड विच कैन बी रिटन इन ए प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं और इनको हम प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इनमें इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन भी प्रसीड होता है जब सिंगुलर में ये होते हैं। तो इस तरह अनकाउंटेबल नाउन जो हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। Uncountable nouns are always singular. Countable and uncountable तो काउंटेबल नाउन्स हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स वी कैनॉट काउंट, उनको हम मास काउंट भी कहते हैं और नॉन काउंट भी कहते हैं। यानी नॉन काउंट जिन जो काउंट के काबिल नहीं होंगे, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और मास काउंट जैसा कि इनकी मिसाल होने के राइस, व्हीट, शुगर, आयर, ऑक्सीजन, क्लाउड, स्मोक, डस्ट, सैंड, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हमने ये भी देखा कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स आर प्रिसीडेड बाय एडजेक्टिव्स। अनकाउंटेबल नाउन्स ये भी हमने कल देखा था, यानी इनका उसूल है अनकाउंटेबल नाउन्स आर preceded by adjectives। इनमें एडजेक्टिव प्रिसीड होता है। सपोज हमारे पास यहां है अनकाउंटेबल नाउन, हम शुगर को लेंगे, अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, देयर इज सम शुगर इन द पॉट, इन द बोटल, देयर इज सम शुगर इन द बोटल। और ये एडजेक्टिव्स इसमें जो प्रिसीड होते हैं वो कौन से एडजेक्टिव्स हैं? असल में ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। जैसे कि हम सम, नो, लिटिल, एनी, ये प्रसिद्ध होते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर प्रसिद्ध बाय एडजेक्टिव्स लाइक सम, नो, लिटिल, एनी। देयर और एक एग्जांपल हम लेंगे, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, little water in the glass। अब एडजेक्टिव यहां पहले आया तो फिर वाटर है। वाटर हमें पता है ये अनकाउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, ये प्रिसीड होते हैं सम से जो ये एडजेक्टिव है, और यहां लिटिल भी एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं ये प्रिसीड होते हैं एडजेक्टिव से। तो इसके साथ साथ कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं, दे आर प्रिसीडेड बाय नाउन प्लस ऑफ। सम एडजेक्टिव्स, सम अनकाउंटेबल एडजेक्टिव्स अनकाउंटेबल एडजेक्टिव्स
आर प्रिसीडेड बाय बाय नाउन नाउन्स प्लस ऑफ नाउन के साथ इनको ऑफ भी साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल यहां हमने एग्जाम्पल हमने दी और यहां भी हम एग्जाम्पल देंगे ऐसे नाउन्स काउंटेबल इनकाउंटेबल नाउन्स जिनको प्रसीड होते हैं नाउन्स प्लस ऑफ. तो एग्जाम्पल हम लेंगे A grain of sand. Sand uncountable है. ये grain जो है ये यहां noun है. A grain of sand और grain और of इस ये precede हो गए uncountable noun sand को. तो इस तरह से हम कह सकते हैं A grain of sand, a pot of sorry, a drop of water. A drop of water. और एक एग्जाम्पल ली गई A piece of advice. Well, these are the uncountable nouns which are preceded by noun plus of. A piece of advice, a drop of water, a grain of sand. तो इस तरह से हम सम अनकाउंट नाउन्स अनकाउंटेबल्स प्रीसीडेड बाय नाउन प्लस ऑफ. तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब और आगे हम जाएंगे कुछ और रूल्स हैं सम अनकाउंटेबल नाउन्स become countable. Some uncountable nouns कभी countable भी बनते हैं. हाँ हम लिख सकते हैं a good education. A good education. A good education shapes our future. A good education shapes our future. तो यहां education जो है ये abstract भी है लेकिन uncountable है. तो लेकिन यहां ये बनता है यहां ये इस वक्त जब हम इससे इस्तेमाल करेंगे तो ये countable बनता है. यहां हमने इसको इनडेफिनिट आर्टिकल जो है ए लगाया. ए गुड एजुकेशन शेप्स आवर फ्यूचर. तो हमने ये भी देखा अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं ये सिंगुलर होते हैं लेकिन इनमें प्रीसीड ये इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर बट दे आर नॉट प्रीसीडेड बाय ए और एन यानी इनडेफिनिट आर्टिकल. लेकिन समटाइम्स अनकाउंटेबल नाउन बिकम काउंटेबल. उस वक्त जैसे कि हमने यहां लिखा ए गुड एजुकेशन शेप्स आवर फ्यूचर. इसी तरह हम लिख सकते हैं इसी तरह है ए गुड बुक इज
ऑफ ग्रेट हेल्प। ये जो हेल्प है ये अनकाउंटेबल है, लेकिन यहां ये काउंटेबल बन गया जब हमने इसको ऐसे लिखा, ए गुड बुक इज ऑफ ग्रेट हेल्प। तो इसी तरह हम कह सकते हैं रिलीफ, रिलीफ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहां ये भी हम इसको भी अगर हम यूज करेंगे तो ये भी काउंटेबल बनता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए मंथली पेंशन, ए मंथली पेंशन स्कीम। इज ए रिलीफ फॉर ओल्ड पीपल, इज ए ग्रेट रिलीफ फॉर ओल्ड पीपल। यहां रिलीफ जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, अनकाउंटेबल है, लेकिन यहां जो हमने इसको इस्तेमाल किया तो ये यहां काउंटेबल बन गया। तो इसी तरह से यानी हमने देखा कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स कभी जब हम यूज करते हैं इनको ये कभी बनते हैं काउंटेबल भी। तो इस तरह हम कुछ और जो है अनकाउंटेबल नाउन्स जो है जिनको हम लिख सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल। तो जैसे हम लिख सकते हैं पार्किंग, पार्किंग, शॉपिंग, कैंपिंग, इनको हम अनकाउंटेबल में ले सकते हैं। ऐसे ही जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स मिसाल के तौर पर हम लेंगे माई हेयर इज ब्लैक, तो यहां यह अनकाउंटेबल है, लेकिन जब हम अलग अलग सेपरेटली बात करेंगे हेयर की तो वहां ये हेयर, तो उस वक्त ये बनता है काउंटेबल भी। तो इसी तरह जब हम काइंड्स, किसी चीज की काइंड्स, ए वाइन, जब हम कहेंगे ए वाइन, इट मीन्स ए काइंड ऑफ वाइन, ए शुगर, तो ये शुगर काउंटेबल अनकाउंटेबल है, लेकिन जब हम कहेंगे ए शुगर मीन्स इट इज ए काइंड ऑफ शुगर प्रोसेस्ड, ए केमिकल, जब हम किसी की वैरायटी, इसकी काइंड को हम देखेंगे तो उस वक्त भी ये बनता है, ये जो ये उस वक्त बनता है काउंटेबल, तो अदरवाइज शुगर इज अनकाउंटेबल। तो इस तरह इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि काउंटेबल नाउन्स जो हैं, काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एंड दे कैन बी इन प्लूरल फॉर्म एज वेल एज इन सिंगुलर फॉर्म। तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड आर नॉट प्रिसीडेड बाय डेफिनेट आर्टिकल ए और एन, बट समटाइम्स देयर आर सम एक्सेप्शंस। समटाइम्स अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन यूज्ड एज काउंटेबल दे बिकम काउंटेबल एंड दे आर सपोर्टेड बाय, दे आर प्रिसीडेड बाय दिस इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसा कि हमने मिसाल में देखा ए ग्रेन ऑफ सैंड, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ए पीस ऑफ एडवाइस। तो इसी तरह सो अनकाउंटेबल नाउन्स बिकम काउंटेबल। तो जैसा कि ए गुड एजुकेशन शेप्स अवर फ्यूचर, ए गुड बुक इज ऑफ ग्रेट हेल्प, ए मंथली पेंशन स्कीम इज अ ग्रेट रिलीफ टू ओल्ड पीपल। तो ऐसे ऐसे जो ये हैं, तो इस तरह से कभी अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं ये जब हम इनकी वैरायटी को, इनके काइंड को इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त भी ये काउंटेबल बनते हैं। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में आज था। तो इस तरह से आज हमारा ये लेसन जो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ये कंप्लीट हुआ। तो कल हम इंशाल्लाह एडजेक्टिव्स पर आएंगे, तो वो कल इंशाल्लाह करेंगे हम। तो आज के लिए ये काफी है, शुक्रिया।